Hello everyone, I am Neeru. First I would like to thank Fabina Group for giving me such a nice platform to showcase my talent. Today I am going to present a recipe before you that is all time favorite. It's lemon tarts. Lemon tarts is a recipe which can be made as a dessert and can also be served as a starter. Ab sabse achhi baat ye eggless recipe hai. To aap chahe vegetarian hai, chahe non-vegetarian hai, aap kabhi bhi bana sakte hain. So let's get ready for the recipe. लेमन टार्ट्स के टार्ट शेल्स बनाने के लिए हमें लगेगा इंग्रेडिएंट्स में मैदा, कोल्ड बटर कट इनटू क्यूब्स, पाउडर्ड शुगर एंड कोल्ड वाटर। अब हम मिक्सर में मैदा और बटर को पल्स करेंगे, लाइट पल्स करेंगे और मिक्स करेंगे ताकि वो हल्का सा लाइट ब्लेंड हो जाए। ओवर मिक्सिंग, ओवर ग्राइंडिंग नहीं करेंगे। अब हम खुले बर्तन में मैदा और बटर को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हल्के हाथ से दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे ताकि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स जैसा लगने लग जाए। इवनली हम बटर को उसके छोटे छोटे पीसेस को मैदे के साथ मिक्स करेंगे ताकि वो लाइट ब्रेड क्रम्स लगें। अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर डालेंगे। मैदा, बटर और पाउडर्ड शुगर को अब इकट्ठे मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हाथ से ताकि वो वापस से एकदम स्मूथ ब्रेड क्रम्स लगे। अब हम इसमें एक टेबलस्पून कोल्ड वाटर डालेंगे और हल्के हाथ से उसको डो बनाने की कोशिश करेंगे। ओवर नीड नहीं करेंगे, आटे की तरह इसको बहुत जल्दी जल्दी नीड नहीं करना, धीरे धीरे। फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर एक टेबलस्पून पानी डालेंगे और हल्के हाथ से उसको डो बनाने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा करेंगे, डो बनाएंगे, बट ओवर नीड नहीं करेंगे। अब रेडी है परफेक्ट स्मूथ डो जिसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए। अब हम बनाएंगे टार्ट फिलिंग और उसको बनाने के लिए ये हैं हमारे इंग्रीडियंट्स। अब हम एक गैस पे एक हैवी बेस का बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे पानी, साथ ही में उसमें हम डालेंगे चीनी और उसी के साथ हम ऐड करेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे, कुक करेंगे। अब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अब हम तीनों को मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसको हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अब हम इसको तब तक कुक करते रहेंगे गैस पे जब तक कि इसका टेक्सचर जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। रुकना नहीं है, बीच में इसको स्टर करते रहना है। अब आप देखेंगे कि ये गैस बंद कर देंगे और देखेंगे कि ये टेक्सचर, ये लिक्विड जो है ये थिक हो गया है मिक्सचर। अब ठंडा होने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे बटर, लेमन जूस और इसको मिक्स करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। साथ ही में आप ऐड करेंगे इसमें लेमन येलो फूड कलर। देखने से आपको समझ में आएगा ये टेक्सचर का, और ये थिक लेमन सॉस तैयार है। अब ये तैयार है हमारी थिक लेमन सॉस और एक तरफ हमारी चिल्ड व्हिप्ड क्रीम। अब हम धीरे धीरे इस थिक लेमन सॉस को जो बिल्कुल ठंडी है इस कूल व्हिप क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे और लाइटली मिक्स करेंगे सो दैट वो इवनली ब्लेंड हो जाए और एक परफेक्ट क्रीम, लेमन क्रीम तैयार हो जाए हमारे टार्ट्स के लिए। आप देख सकते हैं उसका टेक्सचर कैसा एकदम स्मूथ और क्रीमी है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्रीम तैयार है। चलिए अब बनाते हैं टार्ट शेल्स। डो हमारा तैयार है, हमने अपने कुकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लाइटली डस्ट किया मैदे से और ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब हम इसको अपने कुकिंग प्लेटफॉर्म पे बेलन से हल्के हाथ से बेलेंगे, रोल करेंगे। और देखिए कैसे मैं इसको धीरे धीरे उठा के रोल कर रही हूँ। इसको इस तरह से बेलते जाएंगे और एक अंदाजे से रफली एक इतने साइज़ का हमने इसको रोल कर लेना है। अब आपने ये देखना है कि जब ये रोल करें तो एकदम स्मूथ रोल करें और इसकी थिकनेस ये देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये थिकनेस होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1/4 इंच। परफेक्ट।
अब हम क्या करेंगे, कुकी कटर से इसमें से पीसेस राउंडल्स काट लेंगे। कोशिश करेंगे कुकी कटर का साइज़ हमारा अप्रॉक्सीमेटली यही हो जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये जो एक्स्ट्रा है ये हमने निकाल दिया, इसको साइड पे कर दिया, ये बाद में फिर यूज़ होगा, वेस्ट नहीं होगा। अब हम इन राउंडल्स को इस तरीके से टार्ट मोल्ड्स के अंदर रखेंगे और हाथ से दबाएंगे। देखिए जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसके एजेस को अच्छे से प्रेस करिए सो दैट नीचे उसके कोई भी एयर ट्रैप नहीं हो। देखिए कैसे मैं अपने थंब से उसके एजेस को प्रेस कर रही हूँ, ये इसके बेसिस और इसके साइड्स को प्रेस करिए, स्मूथ करिए। और अब हम इसको फोक से प्रिक करेंगे, इसे कहते हैं ब्लाइंड बेकिंग। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम प्रिक करना भूल जाते हैं तो ये क्या होगा, पानी पूरी और कचौरी की तरह पफ कर जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें अपने टार्ट मोल्ड्स चाहिए एकदम परफेक्ट शेप में, जैसे आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे ही बनेंगे। तो फोक से इसको स्लाइटली सबको प्रिक कर लेंगे। ये हमारे टार्ट मोल्ड्स बिल्कुल तैयार हैं, अवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से ये देखिए हमारे लेमन टार्ट्स बेक हो चुके हैं परफेक्ट, और आसानी से बड़ी इजीली मोल्ड्स में से ये हमने निकाल दिए, एफर्टलेसली निकल रहे हैं। कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया हमारे मोल्ड्स का। इनको हम कूल कर लेंगे, एकदम एब्सोल्युटली ठंडे हो गए, और ये हमारी ऑलरेडी लेमन व्हिपिंग व्हिप्ड क्रीम रेडी है, जिससे हम इसको पाइप करेंगे। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। ये हमारी लेमन सॉस उसमें व्हिप कर दी हमने, इस तरीके से जेंटली हम इसको क्रीम को अपने मोल्ड्स में फिल करेंगे। ये हमारे लेमन टार्ट्स रेडी हैं, मैं इनको गार्निश कर रही हूँ मिंट लीफ और ग्लेज लेमन के साथ। आप इसको ब्लूबेरीज, रेड चेरीज के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय रेसिपी लेमन टार्ट्स इज रेडी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, एंड फॉर मोर सच रेसिपीज, इंटरेस्टिंग रेसिपीज, प्लीज चेक माई इंस्टाग्राम पेज इलेटेड बाई न्यू। Thank you so much.